की विशेषता है कि इसमें त्योहार हर साल कई बार आते हैं, जिसमें हमें मौका मिलता है कि हम सब साथ में आए, क्योंकि पारिवारिक, सामाजिक और ऑफिस के ड्यूटीज और व्यवस्था की वजह से बहुत बार हमको समय नहीं मिलता है कि एक दूसरे के साथ हम काफी ज्यादा समय बिता सके। तो ये सब त्योहार हमें एक अवसर देते हैं कि हम साथ में आए और जीवन के रंग, जीवन में होली रंगों का त्यौहार है और जीवन में भी बहुत से रंग हैं, लेकिन इस व्यवस्था के कारण ये जो कुछ रंग कम हो जाते हैं, इस तरह के त्यौहार हमें एक अवसर देते हैं कि वो रंग जो चले गए हैं या कुछ कम हो गए हैं, वो फिर से जुड़े हमारे साथ। और इस कार्यक्रम को अगर कृष्ण से जोड़ दें, भगवान का संकीर्तन हो, तो फिर उसकी बात ही क्या है। तो थोड़ी देर में हम शुरू कर रहे हैं, आप सबका यहाँ पर स्वागत है। फिर से संकीर्तन से हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। भगवान का मंडप थोड़ी देर में खुलेगा। स्वयं चैतन्य और नित्यानंद, जो कृष्ण और बलराम जी के अवतार है, यहाँ पर पधारे हुए हैं, दर्शन देंगे थोड़ी देर में। तब तक आपसे निवेदन है कि संकीर्तन में भाग लें और बहुत जोश और उत्साह के साथ ताली बजाते हुए आप सबको गाना है। और गाने का जो तरीका होता है, जो गायक जब गुरु जी गाते हैं, जिसकी ट्यून, जिसकी ढंग में वो गा रहे हैं, आप सुनिए, उसी को आपको दोहराना है। तो बहुत जोर से ये प्रार्थना, ये पुकार है, और सबको, इसमें हम सभी को एक साथ सम्मिलित होना है।
और कार्यक्रम में आगे संकीर्तन के बाद हम कुछ अध्यात्म के बारे में भी दो शब्द सुनेंगे। एक मंदिर का आपको वीडियो भी दिखाया जाएगा और भगवान जी की आरती का भी हमने कार्यक्रम रखा है। और आरती के बाद सभी को मौका मिलेगा कि भगवान को निताय गौर चैतन्य महाप्रभु को पुष्प अर्पित करें, और उसके बाद फूलों की होली सब साथ में खेली जाएगी। तो सभी साथ में एक साथ संकीर्तन में भाग लेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण
Hare Krishna, Hare Rama,
चंद्र की जय। Thank you.